तो व्यूअर्स, मैं जागेश्वर धाम से 3 किलोमीटर आगे आ गया हूँ होल्ड, और 9 बज गए हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ जाएगा इस हाईवे पर रश होता रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा था, देखिए रात को यहाँ बर्फ़ पड़ गई क्योंकि ये हिस्सा पहाड़ की ओट में है, तो सनलाइट आप मेकआउट ही कर पा रहे होंगे। और जो मैं पिछले वीडियो में दिखा रहा था, ये हिस्सा देख रहे हैं आप ब्राउनिश, जो ट्विग्स वगैरह और ये जो पेड़ की डंडियाँ वगैरह हैं, इससे सड़क पर स्लिपनेस हो जाती है। ये पूरी सड़क गीली है, सड़क का कुछ पैच सूखा हुआ है, जैसे कि ये लाइन जिस पे से अभी ट्रक गया था। तो बहुत धीरे धीरे बाइक चलानी है इस पर आपको, और इस पर शार्प टर्न, और क्योंकि जितना भी ड्यूक का टायर वगैरह है ये ग्रिप के लिए बना हुआ है, लेकिन सूखी रोड पे, गीली रोड पर वेट ग्रिप इज़ डिफरेंट थिंग, वो तो बारिश में जैसा एक होता है, लेकिन ये सड़क बिल्कुल गीली है। और ऐसा भी हो सकता है कि सड़क का कोई ऐसा पैच जहाँ पर हल्की सी आइस फॉर्मेशन हुई हो, तो वो बिल्कुल ही डेंजरस हो जाएगा। इसलिए मैं जितनी हो सके बाइक को सीधा ही चलाऊं, ज़्यादा टर्निंग ना करूं। और आप देख सकते हैं कि एक्चुअली सड़क के इस हिस्से पे ऑक्सीजन भी कम है। मैं थोड़ा सा बोलता हूं तो मुझे हल्की सी खांसी शुरू हो जाती है, और तो मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहता बिकॉज मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो व्यूअर्स, ये पार्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, सो स्टे ट्यून्ड।